संभालिए अपने आप को। मैंने कहा था ना मेरे बच्चे, ये उसी ने गिराया है मुझे। हो ना हो, मेरा मन कहता है कि ये माता है। निशा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। अब हमारे बीच में कुछ भी गलत नहीं होगा। हम दोनों बहनें हैं, कोई दुश्मन नहीं है ना। वैष्णवी, तुम गेस्ट रूम में नहीं बल्कि मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी। ठीक है दीदी। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए ब्लैंकेट निकालती हूँ। दीदी ये क्या है? ये मेरी स्केचबुक है, लाओ मैं रख देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे देखना है। अच्छा पापा ठीक है, तुम बैठो मैं दिखा दूँ। ये माता रानी अच्छी है ना? अरे वाह दीदी, कितनी अच्छी पेंटिंग है। आपने अपनी माँ पापा सब लोगों के कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम्हारे लिए दरवाजे हमेशा खुले। अगर आज तुम यहाँ से गए, यही मानूंगा कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। क्या हुआ आशा दीदी, आप उदास क्यों हैं? और ये कौन है? है कोई अपना वैष्णवी, जिसे मैंने अपनी गलतियों की वजह से खो दिया। नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। जो हमारे अपने होते हैं वो कभी हमसे दूर नहीं जाते। इसलिए दीदी, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उनसे सॉरी बोल दीजिए, और देखना वो आपको जरूर माफ कर देंगे। दीदी, आप इसी समय उनको फोन कीजिए, देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ वैष्णवी, तुम सही कह रही हो, मुझे अर्जुन जी से बात करनी चाहिए, लेकिन अभी बहुत रात हो गई है ना, मैं कल सुबह जरूर फोन करूंगी। ठीक है दीदी। चलो अभी बहुत रात हो गई है ना, सो जाओ। अक्षय आंटी, गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, गाजर के हलवे की खुशबू कहां से आ रही? रुद्रा अंकल, आशा दीदी ने गाजर का हलवा ही नहीं बल्कि खीर और मिठाइयां भी बनाई हैं। क्या बात है आशा, आज ऐसा क्या खास है? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ, मैं चाहती हूँ कि आज हम सब माता रानी के मंदिर में जाएं और सबसे पहले इन मिठाइयों का भोग माता रानी को चढ़ाएं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आज हम सब लोग माता रानी के मंदिर जाएंगे और हाँ, तुम्हारे बनाए हुए प्रसाद का भोग भी लगाएंगे।
मामा जी आइए ना। अरे वाह नानू, बड़े सही समय पर आए हैं आप। आशा दीदी ने मिठाई बनाई है और हम सब माता के मंदिर जा रहे हैं उनको भोग लगाने। आप भी चलेंगे ना हमारे साथ? मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, तबीयत ठीक नहीं लग रही। आप लोग दर्शन कराएं, मेरे लिए थोड़ा सा आशीर्वाद भी ले आएं और थोड़ा प्रसाद भी ले आएं। जी आशा, चल पूजा की तैयारियां करते हैं। ठीक है माँ, चलो वैष्णव। देखा मेरे बच्चे, मेरा अनुमान बिल्कुल सही था। ये कुछ साधारण बच्ची नहीं है, स्वयं माता रानी है, स्वयं माता रानी। और ये इस घर में खेल खेलना शुरू कर चुकी है। आपको इस बच्ची से डिस्टेंस बना के रखना होगा। दादू एक बात बताइए, जब आप सब कुछ जानते हैं तो फिर कुछ करते क्यों नहीं? किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? मेरे बच्चे, मैं उस पल का इंतजार कर रहा हूं जब इस मां बेटी पर वार करने का एकत्रित और सही समय आएगा। एक ही झटके में दोनों को हलाल करना चाहता हूं। माँ आप तैयार हो गई है ना? चलिए मंदिर जाने का समय हो गया है। तुम लोग मंदिर जाओ, मैं तुम दोनों को वहीं मिलती हूँ। ठीक है माँ, आप तैयार होकर आ जाइए जल्दी, मैं निशा को लेकर मंदिर जाती हूँ। ये निशा है कहाँ? अब तक वो तैयार नहीं हुई। नहीं नहीं तुम दोनों जाओ, निशा मेरे साथ ही आ जाएगी। इधर देख, तू मेरी किसी बात से नाराज है? यही ना कि मैं और निशा तेरे साथ नहीं चल रहे? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप लोग जल्दी आइएगा, हम दोनों चलते हैं। ठीक, जा जा। वो माँ, बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, माता रानी के दर्शन कर रहे। पागल कुत्ता ने काटा क्या मुझे? निशा कंट्रोल कंट्रोल, गुस्सा नहीं। मुझे तो इस घर के सारे के सारे लोग ही पागल नजर आते। निशा मंदिर नहीं गई? तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत चालाक शातिर दिमाग हो? तुम अपने आप को बहुत समझदार समझती हो ना, है ना? तो सुनो, उस दिन मैं मरने के लिए नहीं गई थी, वो सब तो मेरा नाटक था, ड्रामा। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही खेल खेल सकती हो, मैं नहीं? अब तुम देखती जाओ कि मैं तुम्हारा कैसे असली चेहरा सबके सामने लाकर रखती हूँ। और बहुत जल्द मैं तुम्हें इन्हीं घर वालों के हाथों से धक्के मार मार कर इस घर से बाहर ना फिकवा दिया ना, तो मेरा ना
भोली भाली आशा ने। अरे जा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस बार मेरी चाल से क्या बच गई? अपने आप को स्मार्ट समझने लगी। मेरे साथ खेल खेलेगी तू? इस बार मैं जो चाल चलूंगी तब देख। तेरी ये जो साक्षी माँ है ना, प्यारी साक्षी माँ, जिस पर तुझे अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है, वो खुद तुझे अपने हाथों से मार डालेगी। और तब जाकर मेरा वो मकसद पूरा होगा, जिसकी वजह से आज मैं इस घर में हूं। मैंने कहा था क्रोध से बुद्धि का नाश होता है, क्रोध को संतुलन में रखो और दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो। रास तो यूं बांट रही हो जैसे बाजार में रेवड़ियां बांट रही हो। वो वैष्णवी वो कोई साधारण आत्मा नहीं है मेरे बच्चे। 20 साल के बाद उसी रूप में हमारे सामने आई और मैंने उसे पहचान लिया। संभल के रहना, कभी भी छलावा हो सकता है, और छलावे में आकर कभी अपने राज फाश नहीं करना, वरना हमारा ये सारा किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, ये जो अभी अभी आशा का रूप धारण करके मैंने आपके सामने स्वांग रचा, इससे तो मुझे आइडिया आ गया। देखो देखो मेरे बच्चे, अब तुम्हारा दंदू क्या करता है। आइडिया आ गया। आशा दीदी, आज आपको अर्जुन भैया को फोन करना था ना? हाँ वैष्णवी, पर पहले पूजा कर लेते, फिर मैं फोन कर लेती, ठीक है? शरणागत पंडित जी, प्रसाद माता रानी के चरणों में चढ़ाने के। पंडित जी, क्या आज मैं माता रानी की आरती कर सकती हूँ?
जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है कि माँ तुम्हारे साथ है तो तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करोगी और इस घर में राज करोगी? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। ये घर सिर्फ मेरा है, समझी तुम? मेरे रहते हुए तुम इस घर में कभी भी चैन की सांस नहीं ले पाओगी। ये तो आशा की आवाज है, मगर वो तो मंदिर के लिए निकल चुकी थी। माँ ने तुमसे क्या कह दिया? आशा, निशा, मंदिर जाएंगी। ये क्या हो रहा है वहाँ पे? हाँ, इतना क्यों रही हो? एक बात ध्यान में रखना कि ये घर जो है ना, ये घर सिर्फ मेरा है और माँ भी सिर्फ मेरी है। तुम बस देखती जाओ कि कैसे मैं तुम्हें इस घर से बाहर फिकवाती हूँ, समझी तुम? निशा, आशा रुक, आशा रुक जा, आशा, निशा, उठ बेटा, तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? ये दिखा, हाथ दिखा। ठीक हूँ मैम। इस लड़की ने आज हद ही कर दी। मुझे लगा था कि ये सुधर गई होगी, मगर नहीं। आज इसने जो किया है ना, इसके लिए मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। कभी माँ, रहने दीजिए माँ। लगता है आशा बहुत परेशान है, इसलिए उसने मेरे साथ ये बर्ताव किया। पर माँ, आप प्लीज, आप उससे कुछ मत कहिएगा। आपको मेरा वास्ता। निशा, वो तेरे साथ इस तरह का बर्ताव करे और मैं चुप रहूं? नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मुझे उससे बात करनी ही होगी। माँ, सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्ति भूते सनातनी रुको। आशा रुक, मेरी बात सुन। कहाँ गई ये लड़की? अभी तो यहीं थी। ये लड़की, निशा बच्चे, माता रानी साक्षी और आशा को मिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अब देखना मेरे बच्चे, जो जाल मैंने बुना है उसमें फंसकर साक्षी क्या करेगी। दोनों माँ बेटियों को माता रानी के सामने अलग कर दूंगा, तो देखते जाओ मेरे बच्चे कि वहां क्या होता है। तो तुम नहीं सुधरोगे शील कुमार, तुमने फिर अपना बुरा खेल खेल दिया, पर मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। ये क्या पाप कर डाला तुमने? हमारे बच्चे को मार दिया तुमने। हाँ,
उठो, आंखें खोलो मेरे बच्चे, ये क्या हो गया तुम्हें? नहीं, ये नहीं हो सकता। कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। नहीं, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम इसी क्षण अपनी संतान को खो दोगी। संतान को खोने का दुख भोगना होगा। ये श्राप है तुमको एक माँ का। नहीं नहीं, ऐसे मत कहिए, ऐसा मत कहिए। अपना श्राप वापस ले लीजिए। सब क्या हो गया? के साथ निशा के भी प्राण चले गए।
तो माता है, पर ये आशा को बचाने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रही? माँ आप तो जगत जननी है ना माँ, आप चाहें तो आशा और निशा में फिर से प्राण फूंक सकती हैं। कुछ कीजिए कीजिए ना माँ, अपना चमत्कार दिखाइए। हे माता रानी, ये क्या हो गया? ये कैसा दुर्भाग्य है हमारा? धैर्य रखो, जो होना था वो तो हो चुका है। खुद को संभालो, जीवन और मृत्यु तो अचल सत्य है। नागराज, मुझे बहुत दुख है कि आपका पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन ऐसा श्राप आपने क्यों दिया? ऐसे क्यों किया आपने नागराज, बताइए ना, ऐसा क्यों किया? सावधान सावधान, तुम मेरे पास आने की चेष्टा भी मत करना, वरना मैं तुम्हें डस कर तुम्हारे प्राण हर लूंगा धूर्त। हे नागराज, मैं समझ सकती हूँ, एक माता संतान को होकर इस समय आप दोनों के मन पर क्या बीत रही होगी, किंतु एक माँ होने के नाते मैं आप दोनों से विनती करती हूँ कि आप अपना शराब वापस ले लीजिए, क्षमा कर दीजिए साक्षी को। नहीं माँ, मैं अपने पुत्र की हत्या करने वालों को कभी क्षमा नहीं करूंगी। इस स्त्री ने मेरे पुत्र को मारकर पाप किया है, उसे इस पाप का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगी माँ, कभी क्षमा नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्रोध की ज्वाला भड़क रही है, किंतु मुझे विश्वास है कि यदि तुम एक बार शांत मन से विचार करोगी तो ये बात जान जाओगी कि हत्या का बदला हत्या नहीं हो सकता। एक माँ दूसरी माँ की गोद सुनी कैसे कर सकती है? हे माता, मेरा हृदय इतना विशाल नहीं कि मैं इस स्त्री को क्षमा कर सकूं। एक क्षण के लिए अगर मैं इसे क्षमा कर भी दूं, तो मुझे ज्ञात नहीं कि एक बार दिया हुआ श्राप वापस कैसे लिया जा सकता है। इसका मतलब आप अपना श्राप वापस नहीं ले सकती? अरे जब श्राप वापस लेना आता ही नहीं तो श्राप दिया क्यों? हे कुमार, तुम शांत रहो, जो भी कुछ भी हुआ है तुम्हारे कारण हुआ है। तुम एक माँ के हृदय की पीड़ा को कभी नहीं समझ सकते, इसीलिए यही अच्छा होगा कि तुम कुछ ना बोलो। हे नागराज, कोई तो रास्ता होगा इस श्राप से मुक्ति का। हे माता, मैं जानती हूँ, मैं जो अब से कहने जा रही हूँ वो सिर्फ एक स्वार्थी माँ ही कह सकती है, किंतु अपने पुत्र के मुंह में मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा। यदि एक बार आप मेरे इस पुत्र के मृत शरीर में प्राण फूंक दें, तो मैं आपको इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बता सकती हूँ। ठीक है, यदि तुम दोनों की इच्छा यही है तो यही सही। मैं अपने भक्त की संतान के
प्राणों की रक्षा के लिए तुम्हारे पुत्र के शरीर में प्राण लुटा दूंगी। यम लोक से तुम्हारे पुत्र के प्राण अवश्य ही वापस ले आऊंगी। चित्रगुप्त, आज ऐसा क्या हो गया है कि जो तुम्हारी गणना अब तक पूर्ण नहीं हुई? और कितना समय लगेगा तुम्हें? बस समझ लीजिए कि गणना संपूर्ण हो ही गई। आज कुल मिलाकर जितने प्राणियों के प्राण हमने हरने थे उसमें एक कम था। एक नाग बालक के प्राण बाकी रह गए थे, किंतु अब वो भी आ गए हैं। महाराज, ये क्या हो रहा है? यमलोक में ये कंपन कैसा? ये प्रश्न तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो चित्रगुप्त? जाओ और यमलोक के द्वार पर जाकर देखो ये कौन है जिसने यहाँ आने का दुस्साहस किया है। जो आज्ञा महाराज। धूमकेतु? महाराज, यमलोक के द्वार पर भीषण धूमकेतु खड़ा है जो यमलोक के भीतर प्रवेश करने की चेष्टा कर रहा है। यदि वो यमलोक में प्रवेश कर गया तो यमलोक में त्राही त्राही मचा देगा, जिससे इस संसार के समस्त प्राणियों के जीवन और मृत्यु का जो लेखा जोखा हमारे पास है वो मिटा देगा। संसार में हाहाकार मच जाएगा। प्रभु, रोकिए उस धूमकेतु को। प्रणाम यमदेव। मैं पृथ्वी लोक से उस नाग पुत्र के प्राण वापस लेने आया हूँ। कृपया मुझे उस नाग पुत्र के प्राण वापस कर दीजिए ताकि मैं अपना उद्देश्य पूरा कर सकूं। मूर्ख, तू नहीं जानता कि तूने यहाँ आकर स्वयं अपने प्राणों को संकट में डाल दिया है। एक बार जिस प्राणी के प्राण यहाँ आ जाते हैं वो वापस नहीं लौटाए जाते। मैं उस नाग बालक के प्राणों को तो नहीं लौटा सकता, लेकिन इस प्रकार यमलोक में आने की उदंडता के लिए मुझे दंड अवश्य ही दूंगा। क्षमा करें महाराज, किंतु मैं किसी भी मूल्य पर उस नाग बालक के प्राण वापस लिए बिना यहां से नहीं जा सकता। मुझे स्वयं माता ने यह आदेश देकर यमलोक भेजा है, इसलिए अपनी किसी भी उदंडता के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज, और आपसे विनती करता हूँ कि उस नाग बालक के प्राण मुझे लौटा दीजिए। यमलोक से आज तक किसी प्राणी के प्राण वापस नहीं गए, और मैं तुझे उस नाग बालक के प्राण कभी नहीं दूंगा। तो ठीक है यमराज, यदि आप मुझे इस नाग पुत्र के प्राण वापस नहीं कर सकते तो मुझे स्वयं आपको ही माता के समक्ष लेकर जाना होगा। माते, आपने मुझे यमलोक उस नाग बालक के प्राण लाने के लिए भेजा था, किंतु यमराज ने उस बालक के प्राणों को वापस करने से मना कर दिया। इसलिए अपने कार्य की पूर्ति के लिए मैं स्वयं यमराज को आपके पास लेकर आया हूं माते। क्षमा करें माते, मुझे ये ज्ञात नहीं था कि ये धूम्रकेतु आपका ही दूत। यमराज, अब आपको नाग बालक के प्राण को लौटाना होगा।
मुझे क्षमा करें माता, मैं उस नाग बालक के प्राणों को नहीं लौटा सकता। उसकी आयु इतनी ही थी माता, और उसके भाग्य में इसी तरह मृत्यु को प्राप्त करना लिखा था। और मैं विधि को तो नहीं बदल सकता माता। हे नागराज, आपके पुत्र की आयु पूरी हो चुकी थी। वो तो वैसे भी एक श्राप के कारण नागकुल में पैदा हुआ था, किंतु अब वो साक्षी के कारण श्राप मुक्त होकर पुनः एक गंधर्व बन चुका है, और अब उसके प्राण वापस लौटा कर लाना असंभव है। नागराज, आशा और निशा की आयु अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए धर्म यही कहता है कि तुम्हें अपने श्राप से मुक्ति पाने का उपाय बताकर हत्या के दोष से मुक्त हो जाना चाहिए। अब मुझे आज्ञा दे माता। हमें क्षमा करें माता, किंतु हम सचमुच अपने दिए हुए श्राप से मुक्ति का कोई उपाय नहीं जानते। क्या बकवास कर रहे हैं आप दोनों? अभी तो आपने कहा था ना कि आप उस श्राप की मुक्ति का उपाय जानते हैं, और अभी अपनी कही बात से मुकर रहे हैं आप दोनों। आप दोनों को अपने श्राप का उपाय बताना ही होगा। हाँ, आप ही कुछ कीजिए ना, अभी आप ही इनके मुंह से उगलवाइए कि श्राप की मुक्ति का उपाय क्या है, वरना आशा और निशा तो हमेशा हमेशा के लिए गए इस लोक से। आप दोनों ने अपने बेटे को पोया है और एक संतान को खोने की पीड़ा एक माँ के लिए सबसे अधिक होती है। मैं तुम्हारे मन की दशा को समझ सकती हूँ। मैं तुम्हारे दुख को और बनाना नहीं चाहती, इसीलिए तुम अब जा सकते हो। अरे माँ, ये क्या कर रही है? रोको रोको इनको, आप इन्हें जाने कैसे दे सकती हैं? अरे अगर ये चले गए तो आशा और निशा कभी जिंदा नहीं हो पाएंगे। सुन रही हैं आप? अरे रोको इन्हें माँ, रोकिए इन्हें। अरे पूछिए ना इस श्राप की मुक्ति का उपाय। देखे ना, मेरी बच्ची को क्या हो गया है? मेरी एक भूल के कारण क्या हो गया है मेरी बच्ची के साथ? सब मेरी वजह से, सब मेरी वजह से।
मामा जी। ये किसके राग है मामा जी? निशा है मेरे बच्चे, निशा। निशा क्या है माँ? माँ मेरी बेटिया, वो तो यहाँ आपके दर्शन के लिए आई थी ना माँ, और आपने उनके साथ आपने ऐसा क्यों किया माँ? मेरे भूल की इतनी बड़ी सजा मुझे मत दीजिए माँ। माँ गलती मुझसे हुई है, मेरी बच्चियों से नहीं। मुझे माफ कर दीजिए माँ। माँ मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए माँ, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मुझे, लौटा दीजिए मेरी बच्चिया। साक्षी बच्चे, उस पत्थर की मूर्ति से क्या मांग रही हैं आप? जब स्वयं माता रानी का रूप यहाँ पर मौजूद है, अरे मांग नहीं है तो इनके चरणों पे गिरो। ये देखो स्वयं माता रानी खड़ी है, इनसे अपनी बेटी के प्राण वापस मांगो। साक्षी बच्चे सोच क्या रहे हो? माता, ये है माँ दुर्गा, माँ वैष्णो देवी, यही आपकी बेटियों के प्राण लौटा सकती है। साक्षी मुनिया, सोचो मत मेरे बच्चे, यही है माता रानी। आप मेरी माता रानी, Yeah.
मुझे वापस लौटा दीजिए माँ। वापस लौटा दीजिए मुझे मेरी बच्चियों के प्राण। मुझे मेरी बच्चियां वापस दे दीजिए माँ। मत करो साक्षी, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चों को। मैं उनको उनका जीवन वापस दिलाऊंगी। के आने का कारण जानता हूँ माते, परंतु जिस यात्रा पर आप निकली हैं, वो बहुत कठिन है। मुझे अपनी बक्षाक्षी की सहायता के लिए इस समस्या को सुलझाना होगा। मुझे केवल वही यहाँ से ले जा सकता है जो दोषी हो, क्योंकि साक्षी को मिले श्राप का असली दोषी शील कुमार है। इसलिए केवल ये ही मुझे यहाँ से बाहर ले जा सकता है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाइए, मुझे बचाओ।